इस कहानी की शुरुआत में मिराबेल की नानी एबियोला अपने परिवार की कहानी सुनाती है कि आज से कुछ सालों पहले हम और तुम्हारे नाना एक मेले में मिले थे और धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हमारी शादी हुई और कुछ महीनों बाद हमारे 3 बच्चे हुए, लेकिन तभी कुछ बुरे लोगों ने हमारे गाँव पर हमला कर दिया जिससे हम सभी को अपना घर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे नाना उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर वो नहीं लौटे। इससे मैं काफी ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन हमारे इस बुरे वक्त में हमें एक करिश्मा मिला और मेरी कैंडल कभी ना बुझने वाली एक जादू शमा में बदल गई और उस शमा ने उनके रहने के लिए एक जादुई आशाना बनाया जिसे उन्होंने एनकांटो नाम दिया। धीरे धीरे वो करिश्मा बढ़ता गया और उसने उनके रहने के लिए एक घर बनाया जिसको इस मूवी में कसीदा नाम दिया गया है, क्योंकि एक जादुई घर था। फिर जब नानी एबियोला के बच्चे बड़े हुए तो उस करिश्मे ने उन्हें एक एक जादुई तोहफा दिया और जब उनके बच्चे समझदार हुए तो उन्हें भी अपना जादू मिला और उनके परिवार को मिले इन जादुई तोहफों ने उनके घर को जन्नत बना दिया। फिर नानी एबियोला मिराबेल को कहती है कि तुम आज 5 साल की हो जाओगी, इसीलिए आज रात ये शमा तुम्हें अपना जादुई तोहफा देगी और तुम उस तोहफे से अपने गांव की मदद करना और अपने खानदान का नाम रोशन करना। फिर वो घड़ी आ जाती है जब मिराबेल को अपना जादुई गिफ्ट मिलना था, लेकिन मिराबेल को कोई भी जादुई गिफ्ट नहीं मिलता। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिराबेल अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने पूरे परिवार के साथ गाँव के सभी लोगों की मदद करने जाती है, क्योंकि उनका परिवार गांव के सभी लोगों की कामों में मदद किया करता था। लेकिन मिराबेल से सभी बच्चे उसके परिवार की पावर जानने की जिद करने लगते हैं, तो मिराबेल उन्हें अपने परिवार माद्रीगाल के बारे में बताती है कि मेरी नानी एबियोला को ही वो जादुई क्षमा मिली थी जिसने हमें आशाना दिया। फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनकी पहली बेटी पेपा को मौसम कंट्रोल करने की पावर मिली जिससे वो कभी उदास या परेशान हो जाती है तो बारिश और तूफान आने लग जाता है। फिर वो अपनी नानी के दूसरे बेटे ब्रूनो के बारे में बताती है कि वो किसी का भी भविष्य देख सकते हैं, लेकिन वो कहीं गायब हो गए हैं और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। फिर वो अपनी मॉम जूलियता के बारे में बताती है कि उनके हाथों में जादू है और वो किसी को भी मिठाई खिलाकर उनकी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो सभी बच्चे मिराबेल से उसकी बहनों और कजन के जादू के बारे में पूछते हैं, तो मिराबेल उन्हें बताती है कि मेरी कजन डिलोरे दूर से कुछ भी सुन सकती है और कजन कमिलियो के पास शेप शिफ्टर की पावर है जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकता है। और एंटीनियो को आज पावर मिलने वाली है क्योंकि वो आज 5 साल का हो जाएगा। और मेरी बहन इसाबेला और लुइसा है जिसमें इसाबेला के पास फूलों को कंट्रोल करने की पावर है जिससे सभी उसे परफेक्ट मानते हैं और उसे प्यार करते हैं। और लुइसा के पास बेपना ताकत और हिम्मत है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को उठा सकती है। ये सब बताकर मिराबेल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर सभी बच्चे उससे उसके जादू के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मिराबेल को कोई जादुई गिफ्ट नहीं मिला था इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसकी कजन डिलोरे सभी बच्चों को बता देती है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है। ये सुनकर सभी बच्चे काफी हैरान होते हैं और एक लड़की मिराबेल को कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं काफी उदास हो जाती। तो मिराबेल उसे कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि गिफ्ट मिले या ना मिले मैं भी उतनी स्पेशल हूँ जितनी की मेरी फैमिली है। फिर मिराबेल घर की तैयारियों में लग जाती है क्योंकि सभी एंटोनियो गिफ्ट मिलने की खुशी में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मिराबेल भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन नानी एबियोला उसे मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एंटोनियो को भी उसकी तरह गिफ्ट ना मिले। मिराबेल इससे काफी उदास हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है जहाँ एंटोनियो भी मिराबेल के रूम में छिपा होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसे गिफ्ट नहीं मिला तो उसे भी कोई मिराबेल जैसा स्पेशल नहीं समझेगा। मिराबेल एंटोनियो से कहती है कि डरो मत, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट जरूर मिलेगा और तुम्हारा गिफ्ट सबसे बेस्ट होगा। फिर मिराबेल उसे एक गिफ्ट देती है क्योंकि एंटोनियो को जादुई गिफ्ट मिलने के बाद वो उसके जादुई रूम में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं सभी गांव वाले जश्न मनाने के लिए माद्रीगाल के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर अब वो वक्त आ जाता है जब एंटोनियो गिफ्ट मिलने वाला था, इसीलिए नानी उसे डोर के पास बुलाती है, लेकिन एंटोनियो डर रहा होता है इसीलिए वो मिराबेल को साथ चलने को कहता है। लेकिन मिराबेल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि अगर एंटोनियो को भी गिफ्ट नहीं मिला तो सभी मिराबेल को मनहूस मानेंगे। लेकिन फिर भी एंटोनियो के रिक्वेस्ट करने पर मिराबेल मान जाती है और वो एंटोनियो को लेकर डोर की तरफ बढ़ने लगती है। फिर एंटोनियो कैंडल को छूकर डोर को हाथ लगाता है जिससे वो डोर एंटोनियो के रूम में बदल जाता है और उसे जानवरों से बात करने की पावर मिल जाती है जिससे सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं। इससे एंटोनियो बहुत खुश होता है और सभी गाँव वाले भी खुश होते हैं कि उन्हें नया तोहफा मिला है। फिर वो जश्न मनाने के लिए एंटोनियो के रूम में जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा रूम था
जिसमें पूरा जंगल था। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सभी फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन कोई मिराबेल को फोटो क्लिक करवाने के लिए नहीं बुलाता। एसियो काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई करिश्मा नहीं था, इसीलिए वो बाहर आ जाती है जहाँ वो रोने लगती है। तभी वो देखती है कि उनका जादुई घर कसीदा टूट रहा है और उसमें दरारें पड़ने लग गई है। ये देखकर मिराबेल काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो दरारें पूरे घर में फैल जाती है और उस जादुई मोमबत्ती की रोशनी भी कम होने लगती है। ये देखकर मिराबेल एंटोनियो के रूम में जाकर सभी को ये बात बताती है कि घर टूट रहा है। ये सुनकर सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ये देखकर सभी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ ठीक होता है, इसीलिए किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और नानी एबियोला सभी को कहती है कि सब कुछ ठीक है और हमारे खानदानी घर को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो सभी वापस सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। ये देखकर मिराबेल को कुछ समझ नहीं आता। मिराबेल अपनी मोम जूलियटा को बताती है कि वो सब कुछ सच था और घर में हर जगह दरारें थी और उसकी वजह से मेरा हाथ भी कट गया था। तो जूलियटा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। फिर उसे मिठाई खिलाती है जिससे मिराबेल की चोट ठीक हो जाती है। तो मिराबेल उन्हें कहती है कि वो मेरा वहम नहीं था, जिस पर जूलियटा उसे कहती है कि मेरा भाई ब्रूनो भी इसी तरह से भटक गया था और वो भी ऐसी बातें करता था, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। फिर उसे आराम करने को कहती है। मिराबेल अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे वही बातें याद आने लगती है कि घर टूट रहा है, इसीलिए मिराबेल उस जादुई कैंडल के पास जाती है। तभी नानी एबुएला भी वहाँ आ जाती है और वो काफी उदास हुई रो रही होती है और अपने पति से मदद मांगती है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मिराबेल ने जो कुछ भी देखा था वो भविष्य था, इसीलिए वो काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सालों पहले उन्होंने जो दिन देखे थे वो दिन उन्हें वापस न देखने पड़े और कहीं वो वापस बेघर न हो जाए। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इससे मिराबेल डिसाइड कर लेती है कि अपने घर और उस जादुई करिश्मे को बचा कर रहेगी, इसीलिए वो डिलोरा के पास जाती है क्योंकि वो सब कुछ सुन सकती थी। इसीलिए उसे पूछती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो डिलोरा उसे बताती है कि घर के जादू के बारे में लुइसा को भी फिक्र हो रही है क्योंकि कल रात उसकी आँख भड़क रही थी, इसीलिए वो लुइसा से बात करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन तभी डिनर का वक्त हो जाता है, इसीलिए सभी साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। जहाँ नानी एबुएला सभी को कहती है कि हमें अपने जादू का घमंड नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज हम सभी मिलकर दुगनी मेहनत करेंगे और सभी की मदद करेंगे। फिर वो सभी को ये भी बताती है कि मैंने गुजमान परिवार से बात की है और मरियानो इजाबेला का हाथ मांगने के लिए आज रात आने वाला है, इसीलिए हमें तैयारियां करनी होगी और गांव में सभी लोगों की मदद करनी होगी। तो लुइसा गांव में चली जाती है जहां वो सभी लोगों की मदद करने लगती है। तो मिराबेल उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि कल रात तुम्हारी आँख भड़क रही थी, इसीलिए मुझे बताओ कि जादू के साथ क्या हुआ है। तो लुइसा उसे बताती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी पावर न चली जाए। फिर उसे बताती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी थी तो मेरी ताकत कम हो रही थी। तो मिराबेल उसे पूछती है कि जादू क्या हो रहा है। तो लुइसा उसे कहती है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने बड़ों की बात सुनी थी और ब्रूनो मामा के जाने से पहले उन्होंने अपने भविष्य देखने वाले जादू से हमारे घर की कोई बुरी झलक देखी थी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि उन्होंने क्या देखा है। इसीलिए अगर तुम जादू की गड़बड़ी के बारे में पता लगाना चाहती हो तो तुम्हें ब्रूनो मामा के रूम से शुरू करना चाहिए और वो झलक ढूंढनी चाहिए, लेकिन तुम्हें संभल कर ये काम करना होगा क्योंकि वहाँ जाना मना है और वो जगह खतरनाक है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मिराबेल सभी से छिपते छिपाते ब्रूनो मामा के रूम में जाती है जहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत होती है। वो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचती है जहाँ उसे कमरे में कुछ हरी रोशनी दिखाई देती है जो कि असल में ब्रूनो मामा द्वारा बनाई गई झलक के टुकड़े होते हैं। इसीलिए मिराबेल जब उसे जोड़ती है तो उसे उसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। ये देखकर मिराबेल सभी झलक के टुकड़ों को इकट्ठा करके वहाँ से निकल जाती है। वो जब बाहर आती है तो उसकी नानी उसका ये हाल देखकर उसे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तभी वहाँ लुइसा रोती हुई आ जाती है और उन्हें कहती है कि मेरी पावर कम हो रही है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो नानी मिराबेल से कहती है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा, इसीलिए जब तक मैं लड़के वालों को लेकर नहीं आ जाती तब तक लुइसा से दूर रहना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिराबेल अपने रूम में जाती है जहाँ ब्रूनो की झलक को जोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मौसी पेपा आ जाती है जो वहाँ एंटोनियो की बची हुई चीजें लेने आई थी। तो मिराबेल उनसे ब्रूनो के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसे इंसान थे। तो सभी उसे बताते हैं कि वो हमेशा बुरे भविष्य देखता था और वो हकीकत बन जाते थे। इससे अब मिराबेल ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है कि उनकी झलक में उसकी तस्वीर क्यों थी, इसीलिए अपने रूम में जाकर उस झलक को वापस जोड़ती है। तो वो ये देखकर हैरान
हैरान हो जाती है कि उनका जादुई घर टूट रहा है और उसके आगे मिराबेल खड़ी है। इसका मतलब यह होता है कि वो घर मिराबेल की वजह से टूट रहा था। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं जो ब्रूनो की झलक देखकर काफी डर जाते हैं। तो मिराबेल उन्हें कहती है कि जादू खत्म हो रहा है और घर टूट रहा है, क्या इन सब की वजह मैं हूँ? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारी नानी चाहती है कि आज रात कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए उन झलक के सारे टुकड़ों को अपनी जेब में छिपा लेते हैं। लेकिन उनकी ये बातें डिलोरे सुन लेती है और वो कोई भी बात किसी से छिपा नहीं सकती थी, इसीलिए मिराबेल और उसके डैड इससे काफी डर जाते हैं। फिर जब वो साथ में डिनर करने जाते हैं जहाँ मरियानो इजाबेला को प्रपोज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एंटोनियो के एनिमल ब्रूनो की उस झलक को वापस जोड़ देते हैं और डिलोरे सभी को बता देती है कि मिराबेल को ब्रूनो मामा की झलक मिली है जिसमें वो है जो जादू को मिटा देगी और पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तभी सब कुछ खत्म होने लगता है और पूरे घर में दरारें बनने लगती है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और मरियानो भी रिश्ता करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी मिराबेल पर गुस्सा होते हैं। मिराबेल अपनी नानी को कहती है कि इसकी कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन नानी उसकी बात नहीं सुनती। तभी मिराबेल देखती है कि कुछ चूहे उस झलक के टुकड़ों को लेकर वहाँ से भाग रहे हैं। तो मिराबेल उनका पीछा करती है और वो देखती है कि एक पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ है, इसीलिए जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे ब्रूनो मामा दिखाई देते हैं। लेकिन वो मिराबेल को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो मिराबेल उनका पीछा करती है लेकिन वो एक जगह पर जाकर नीचे गिरने लगती है। यह देखकर वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है तो ब्रूनो उसकी मदद करता है और उसे ऊपर ले आता है। फिर वो मिराबेल को अपने कमरे में लेकर जाता है जो उसने टूटी फूटी चीजों से बनाया हुआ था। मिराबेल उनसे पूछती है कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं? तो ब्रूनो उसे बताता है कि मैं जब से यही हूँ। जब घर वालों को लगने लगा कि मेरा गिफ्ट किसी की मदद नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ इस घर के अंदर अपनी सीक्रेट जगह में छिपकर रहने लगा क्योंकि मैं अपने घर वालों से प्यार करता था और उनके साथ रहना चाहता था। तो मिराबेल उनसे पूछती है कि मैं आपकी झलक में क्यों थी, क्या सभी को मुझसे नुकसान है? तो ब्रूनो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता हूँ और ये झलक मैंने तुम्हारी नानी के कहने पर देखी थी क्योंकि जब तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला था तो उन्हें जादू की फिक्र होने लगी थी और मैंने देखा कि जादू खतरे में है और हमारा घर टूट रहा है और घर के आगे तुम खड़ी थी लेकिन वो झलक बदल रही थी, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हारा भविष्य तय नहीं है, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैंने उस झलक को तोड़ दिया क्योंकि अगर मैं सभी को बता देता तो सभी यही सोचते कि ब्रूनो तो हमेशा मनुष्यखबरी देता है, इसीलिए मैं उस दिन के बाद से किसी को नजर नहीं आया। तो मिराबेल उन्हें कहती है कि आप मुझे बचाने के लिए वहाँ से चले गए। तो ब्रूनो से कहता है कि मुझे अब पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन परिवार एनकांटो और करिश्मे का जो भी भविष्य है वो सब तुमसे जुड़ा हुआ है और शायद गलत भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो मिराबेल को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तभी मिराबेल को एक आइडिया आता है कि वो भविष्य की ओर झलक देख सकते हैं, इसीलिए वो ब्रूनो मामा को एक और झलक देखने को कहती है। तो ब्रूनो से कहता है कि मैं चाहकर भी एक और झलक नहीं देख सकता क्योंकि तुमने मेरी गुफा का हाल बिगाड़ दिया है और मुझे झलक देखने के लिए बड़ी और खुली जगह चाहिए। तभी एंटोनियो भी वहाँ आ जाता है क्योंकि चोर ने उससे सब कुछ बता दिया था। वो ब्रूनो मामा को कहता है कि आप मेरे रूम में झलक देख सकते हैं। तो ब्रूनो भी उसकी बात मान लेते हैं। वहीं गांव के सभी लोग जादू की बात को लेकर घबरा रहे होते हैं, इसीलिए नानी एबियुएला उनसे बात करने जाती है और अब घर भी धीरे धीरे टूट रहा था। वहीं मिराबेल ब्रूनो को एंटोनियो के रूम में लेकर जाती है जहाँ ब्रूनो अपने मंत्रों की मदद से भविष्य को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वही भविष्य दिखाई देता है जो उन्होंने पहले देखा था, इसीलिए अपना मंत्र बीच में ही रोकने लगते हैं। लेकिन मिराबेल उन्हें और आगे देखने को कहती है जिससे उन्हें झलक में एक तितली दिखाई देती है और जब वो उसका पीछा करती है तो उसे अपने घर की जादू क्षमा दिखाई देती है जिसमें मिराबेल अपनी बहन इसाबेला से गले लग रही थी जिससे जादू क्षमा की रोशनी और ज्यादा तेज हो रही थी। लेकिन मिराबेल इससे खुश नहीं होती क्योंकि वो इसाबेला से नफरत करती थी, इसीलिए मिराबेल ब्रूनो से कहती है कि वो मुझे गले नहीं लगाएगी क्योंकि उसे मुझसे नफरत है और मेरी वजह से उसकी सगाई टूट गई है और मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो ब्रूनो से समझाते हैं कि परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए परिवार को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। यह कहकर ब्रूनो मामा वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिराबेल हिम्मत करके इसाबेला के रूम में जाती है जहाँ इसाबेला को कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे बीच प्रॉब्लम है लेकिन मैं अच्छी बहन बनने को तैयार हूँ, इसीलिए हमें सब कुछ भूल कर गले लग जाना चाहिए। तो इसाबेला उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सगाई टूट गई है इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, और वो उसे अपने जादू की मदद से बाहर निकालने लगती है। तो मिराबेल उसे माफी मांगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत मतलबी हो और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तो इससे इसाबेला को बहुत गुस्सा आता है और वो
से कहती है कि मैंने अपने परिवार के लिए हर एक चीज परफेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमेशा मेरा हर एक काम बिगाड़ा है। तो मीराबेल उसे कहती है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है और तुम उससे शादी कर सकती हो। तो इसाबेला उसे कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, मैं तो सिर्फ फैमिली के लिए शादी कर रही थी। इससे मीराबेल बहुत हैरान होती है और उसे कहती है कि तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। लेकिन तभी इसाबेला के इमोशन की वजह से वहाँ एक कैक्टस बन जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार अपनी मर्जी से कुछ बनाया था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अपने एहसासों से ही अब सारी चीजें क्रिएट करेगी। फिर वो मीराबेल के साथ मस्ती करने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं जिससे उस करिश्मे की रोशनी भी बढ़ने लगती है। लेकिन इसाबेला की फीलिंग की वजह से हर जगह अतरंगी फूल और कैक्टस उग गए थे जिससे नानी एबियोला उनसे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मीराबेल पर गुस्सा करती है कि तुमने इसे भी बिगाड़ दिया है। तो मीराबेल उन्हें बताती है कि मैंने ये जो कुछ भी किया है उससे क्षमा और भी ज्यादा तेज हो गई है, इसीलिए मैं क्षमा में हूँ और मैं इस घर को बचा रही हूँ। तो एबियोला उसे कहती है कि यह सब करना बंद करो, दरारें आने की वजह तुम हो और ब्रूनो भी तुम्हारी वजह से गया था और लुइसा की शक्तियाँ जा रही है, इन सब की वजह तुम हो और मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई तोहफा क्यों नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी को परेशान करो। इससे मीराबेल काफी हर्ट हो जाती है। वो अपनी नानी को कहती है कि मैं कभी आपको कुछ नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं और हम सब कितने भी परफेक्ट बन जाए, लेकिन आप कभी खुश नहीं होती और ब्रूनो मामा चले गए क्योंकि आपने उनमें ऐसी बुराइयां देखी। तो एबियोला उसे कहती है कि ब्रूनो को हमारी फिक्र ही नहीं थी। तो मीराबेल उन्हें कहती है कि वो सभी से प्यार करते हैं और मुझे भी फैमिली से प्यार है, लेकिन आपको फैमिली से प्यार नहीं है और इस घर के मिटने की वजह आप हो। मीराबेल के गुस्से की वजह से हर जगह दरारें बनने लगती है और जादुई क्षमा भी नीचे गिरने लगती है और उसकी रोशनी कम होने लगती है। ये देखकर सभी क्षमा को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी की पावर चली जाती है, मगर मीराबेल कसिता की मदद से ऊपर चली जाती है। वही सभी घर से बाहर निकलने लगते हैं लेकिन मीराबेल किसी की बात नहीं सुनती और उस जादुई क्षमा को पकड़ लेती है, लेकिन तभी पूरा घर टूट जाता है। मगर कसिता मीराबेल को बचा लेती है, मगर तभी वो जादुई क्षमा भी खत्म होकर बुझ जाती है। इससे मीराबेल को लगता है कि इन सब की वजह वो है, इसीलिए वो घर छोड़कर एनकांटो से बाहर चली जाती है। सभी घर वाले उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। वही मीराबेल एक नदी के पास जाकर रो रही होती है, लेकिन तभी उसकी नानी एबियोला उसके पास आती है। तो मीराबेल उनसे माफी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने सब जानबूझकर नहीं किया, मैं बस वो बनने की कोशिश कर रही थी जो मैं नहीं हूँ। तो एबियोला उसे कहती है कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आई क्योंकि ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे नानू मुझसे बिछड़ गए थे और मुझे यहाँ करिश्मे का वरदान मिला, दूसरा मौका मिला, और मैं उसे खोने से इतना ज्यादा डर रही थी, इसीलिए मैं भूल गई कि वो करिश्मा मेरे अपनों से बड़ा नहीं है। इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो, तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि सारी गलती तो मेरी है। तो मीराबेल उन्हें कहती है कि आपने अपना घर खोया, अपना सब कुछ खोया, आपने अकेले इतने बुरे दिन देखे ताकि वो दिन कभी लौट कर ना आए, और हमें करिश्मा आपकी वजह से मिला और हम जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से है और जो कुछ भी टूटा है वो हम मिलकर जोड़ देंगे। तो इससे एबियोला भी खुश होती है। तभी वहाँ ब्रूनो भी आ जाता है जो मीराबेल को बचाने के लिए एबियोला से कहता है कि इसने कुछ नहीं किया और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मैंने किया है। लेकिन एबियोला ब्रूनो को हक कर लेती है। ये देखकर ब्रूनो हैरान होता है। फिर वो तीनों वापस घर जाते हैं जहाँ सभी मीराबेल को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मीराबेल सभी को कहती है कि हम सभी मिलकर इस घर को दोबारा बनाएंगे। फिर नानी सभी को ब्रूनो से मिलवाती है और सभी ब्रूनो से मिलकर बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव वाले भी उनकी मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं और वो सभी साथ में मिलकर अपने घर को वापस बना लेते हैं। फिर सभी मीराबेल को डोर नॉब लगाने को कहते हैं और मीराबेल जैसे ही उस डोर नॉब को लगाती है तो उनका जादू वापस लौट आता है और वो घर वापस जादुई घर बन जाता है और डोर पर मीराबेल के साथ सभी की तस्वीर बन जाती है और अब सभी खुशी से रहने लगते हैं और साथ में जश्न मनाते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।